सुनिए सुनिए, ये हमारी धर्मपत्नी आज आप सबके सामने ये बताना चाहती है कि कितनी अच्छी धर्मपत्नी है, कैसे अपने पति को खुश रख सकती है। इन्हें पता होगा कि इनके पति की खुशी किस चीज में है। हाँ तो धर्मपत्नी जी, साबित करिए इन सबके सामने कि आप कितनी अच्छी धर्मपत्नी। सूरज बाबू, अरे आप ये का कह रहे, इमली भी तो बहुत अच्छी पत्नी है विवान बाबू की। क्यों नहीं होगी, तो चलो एक काम करते हैं, बुलाओ इमली और विवान को भी, एक मुकाबला करते हैं दोनों लड़कियों में, कुछ सवाल पूछते हैं इन दोनों से, तय हो जाएगा कि कौन अच्छी है, इमली या चकोर। साबित कर देगी चकोर कि वो सबसे अच्छी है। क्यों चकोर? हमें कुछ भी साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अब तो तुमने कहा है कि तुम हमारी धर्म पत्नी हो, हम पे हक जमा रही, तुम तो सबके सामने ये तो करना ही पड़ेगा। आज हम तुम्हारा ऐसा हाल करेंगे, तुम्हारी इतनी बेइज्जती कर देंगे कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। युवे छगनवा, क्या कह रहा था तू? किसकी बीवी ज्यादा होशियार, विवान की? चलो इस चीज का फैसला कर ले, सवाल पूछते हैं इन्हें अपने अपने पतियों के बारे में, जो भी सही जवाब देगी वो अच्छी पत्नी। क्यों, तो चलो पूछो सवाल। अच्छा ठीक है, हम एक काम करते हैं, हवेली के बड़े लोगों से शुरुआत करते हैं। अरे पूछिए ना, चकोर से उसके पति के बारे में, इमली से उसके पति के बारे में, पूछिए पूछिए, चलिए। अरे ये तो बहुत ही मजेदार खेल लग रहा है भैया, लगता है मुकाबला बहुत तगड़ा होगा। अरे पर इसमें मुकाबला करने की क्या जरूरत है, हम तो जानते हैं कि इमली ही जीतेगी। आप तो ठीक है, चकोर तुम बताओ इस सूरज को खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? हम बताते हैं। क्यों, हमारी बीवी है तू? सूरज को आलू के पराठे पसंद। हाँ अब सूरज बाबू आप ही बताइए कि जवाब सही है कि नहीं। आलू के पराठे, यक, हमारा तो सुनते ही मूड खराब हो जाता है। सूरज तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम्हें आलू के पराठे बहुत पसंद है, वो भी हरी चटनी के साथ। अरे पगली, हम झूठ क्यों बोलेंगे, हमें हारना है क्या, हम भी तो जीतना चाहते हैं ना। अच्छा ठीक है ठीक है, लेकिन अब इमली बताएगी कि विवान बाबू को क्या पसंद है। हमारे विवान बाबू को पनीर के पराठे पसंद, वो भी असली घी के साथ। हाँ वो भी सिर्फ इमली के हाथों की। हेलो भाई, दूसरा सवाल मम्मी आप पूछिए, चलिए। वो चकोर बेटा, सूरज का फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लैक। अरे भाई वाह, इस बार तो तुमने छक्का मार दिया, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? तुम जैसे इंसान को इस रंग के सिवा और कोई रंग पसंद आ ही नहीं सकता।
इमली तुम बताओ। हमारे विवान बाबू को हरा रंग पसंद है। बिल्कुल ठीक जवाब। क्या बात है। अच्छा अब हम ना चकोरवा बताते, तो इमली के हो गए 2 नंबर और चकोरिया का 1। लेकिन ये जो सवाल चल रहे हैं ना बहुत ही आसान है, थोड़ा मुश्किल सवाल पूछिए तभी तो थोड़ा मजा आएगा। हाँ तेजस्विनी जी, आप तो जानती हैं सूरज और विवान के कंधे पर तिल, तो इमली और चकोर तुम दोनों बताओ कि तिल राइट में है या लेफ्ट में। चकोर तुम बताओ पहले। हमें नहीं मालूम। इमली बिल्कुल अब ये तो साबित हो गया कि इमली चकोर से बेहतर बीवी है क्योंकि वो अपने पति के बारे में सब कुछ जानती है। हम दोनों आप सबके बहुत बहुत आभारी हैं कि आप लोग यहाँ पर आए, हमें बधाई दी और हमें अपना आशीर्वाद दिया, क्योंकि आज का दिन हमारे लिए बहुत यादगार और हम चाहते हैं कि आप सब भी इस दिन को याद रखें क्योंकि हर साल इसी तरीके से जश्न मनाया जाएगा। अब हमारी इमली ने तो बता दिया है कि वो हमें कितनी अच्छी तरीके से जानती है, इसलिए हम भी मौके का फायदा उठाते हुए इमली के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। विवान बाबू रहने दीजिए ना, सबन के सामने बोलने की खास जरूरत है, बाद में बोल देना। अच्छा ठीक है, तो हम सबसे पहले ये बताएंगे कि हमें इमली की कौन सी बात सबसे ज्यादा बुरी लगती है। अरे विवान बाबू, इमली में ऐसी कौनो बात नहीं है। अरे है, वो बात ये है कि हमें आज तक विवान बाबू कह के बुलाती है, ऐसा लगता है हम कोई क्लर्क है। इमली विवान से भी काम चल जाएगा, सबके सामने बोल के देखो। अरे विवान बाबू ये क्या बोले, तो आज तक हम चकोरिया के बापू का नाम नहीं ले पाए हैं और आप बोले तो कि दत्त। अरे बोलो। ठहरिए भाई, विवान बाबू ने अपनी पत्नी की इतनी तारीफ की है, इतना कुछ बोला है, तो हमारा भी बनता है कि हम अपनी धर्म पत्नी की तारीफ कहाँ गई। भाई क्या बात है हमारी धर्म पत्नी की, वाह। अगर हमारी पत्नी एक अच्छी पत्नी होती तो आज हम जीत गए होते, लेकिन हम जीतते कैसे? चकोर जैसी बीवियां जो हैं, वो कोई प्यार का सपना नहीं है बल्कि एक डरावना ख्वाब है। ये चकोर जब देखो हमारी जासूसी करती है, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, हर बात में टोकती रहती है, हर बात में टोंट मारती है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, क्यों हो। अरे क्या इसने कभी हमारे लिए खाना बनाया? नहीं, हाँ हम पति पत्नी हैं, लेकिन सिर्फ नाम के लिए। हम लोगों का कोई भी संबंध नहीं है, ना मानसिक
ना शारीरिक। अरे भाई, अगर वो हमारी बीवी कभी बनी होती तो इसे पता होता ना कि दिल कहाँ है। लेकिन ऐसा इसने कभी नहीं किया। ये चकोर, पूछिए इससे, क्या कभी हमारे पास आकर बैठी, हमसे बात की, हमें कोई खुशी दी, हंसी दी, शांति दी? इसलिए काटो की वरमाला जो हमने खुद गलती से अपने ही गले में डाल ली, आज उसे उतार के फेंकेंगे। ये चकोर किसी की बीवी बनने लायक ही नहीं, इसलिए अरे सूरज बाबू का मजाक करते आप, मजा आ गया, मजा आ गया। अब ये शादी जो है ना, वो छोटे जूते की तरह, एक बार मरद ने ये छोटा जूता पहन लिया तो जिंदगी भर लंगड़ा कर चलत है। अब कहा बताए, लेकिन डाक बाबा की कृपा से हमने अभी तक जूता पहना नहीं। दीदी, सूरज बाबू की बातों का बुरा नहीं मान, का मजाक करे का तरीका बहुत ही अलग है, तो जाना था ना, नजरअंदाज कर दे इसी बातों को। भगवान बाबू को पनीर के पराठे पसंद है, वो भी असली घी के साथ। आप तो जानती हैं सूरज और विवान के कंधे पर तिल है, तो इमली और चकोर तुम दोनों बताओ कि तिल राइट में है या लेफ्ट में? मैं नहीं माना। इमली, आदमी है ये, सड़क के बीचों बीच खड़ा है, पागल लगता है मुझे तो। अरे हट भाई, शराब भी पी रखी है ऐसा लग रहा है। What nonsense! अबे पागल है क्या, मरना है तो कहीं और जाके मर। शराब की बोतल इसके हाथ में देख। अबे निकलना। बाहर निकल। बाहर निकल। अब बाहर बाहर निकल। क्या हो? अरे भाई साहब, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए उन्हें। हाँ बोल, क्या बोल रहा था अंदर? गलती होगी भाई, गलती होगी, हमें तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। क्या बोल रहा था अंदर? ये क्या कर रहे हैं आप? तू चुप कर, मरना है क्या?
छोड़ दीजिए उन्हें भाई साहब। हम तुझे बताते हैं मरते कैसे। चल। क्या जी पैसे ले लो हमारे, गाड़ी ले लो मेरी। क्या कर रहे हो ये? माफ कर दो मुझे भाई, मेरी बात सुन। इट वाज अ मिस्टेक, मैं नहीं जान रहा था। कोई है यहाँ पर? बचाओ, कोई है? गलती हो गई हमसे, माफ कर दो प्लीज। मेरी पत्नी के गहने ले लो, लेकिन मैं जाने दो। जो रुचक्का समझा गया हमें। पति पत्नी है लेकिन सिर्फ नाम के लिए, हम लोगों का कोई भी संबंध नहीं है, ना मानसिक ना शारीरिक। ये चकोर किसी की बीवी बनने लायक ही नहीं, इसलिए हम तलाक देंगे। दीदी तू कब तक सूरज बाबू की बातों का बुरा मान के ऐसे मुंह फुला के बैठी रहेगी? छोड़ उनकी बातों को, तो जाना थे ना कि उनका मस्ती करने का ढंग बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग इंसान है वो। और ऊपर से वो नशा कर ले फिर तो कुछ भी बोल सकता। खैर छोड़ी सब बातों को, तू तो कच्चू खाए नहीं है ना, हम तो को खिलावत है। तुम लोगों ने खा लिया? हाँ हम दोनों ने खा लिया, अब तोरी बारी, हम अपने हाथों से तो का खिलाए। सूरज ठीक ही कह रहा था, हम कभी उसकी पत्नी बने ही नहीं, तो एक अच्छी पत्नी कैसे कहलाएंगे? चकोर तुम्हें सूरज की बात का बुरा क्यों लग रहा है? सूरज किस तरह तुम्हारा पति बना ये तो सब जानते हैं, तो फिर क्यों बुरा मान रही हो उसकी बात का? बस और नहीं खाना। अच्छा ठीक, हम तो रिले मिठाई लेकर आवत है, बहुत ही अच्छा बना था, हम अभी लेकर आवत। चकोर हमारे विचार में ना तुमको सूरज के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, उसकी सारी बातें अपने मन से निकाल दो, भूल जाओ। और वैसे भी कल जब तुम उसे तलाक दे दोगे फिर तुम्हारा नया जीवन शुरू हो, और हम तो कहते हैं कि कुछ दिन के लिए छुट्टी पे चली जाओ तुम। विवान बाबू हटिए वहां से, हम कमरी बहन का मिठाई खिलाने दी। हटिए 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 ना। हाँ हाँ खिलाओ खिलाओ, कुछ तो खिलाओ इन्हें। गिरजा, अरे बहुत अच्छा हुआ तुम सब लोग हमें यहीं मिल गए, हमें आप सब लोगों से काम था। कल सुबह नवरात्रि की पूजा है और सुबह उठकर ही हम कलश स्थापना करेंगे। गिरजा जी, भाभी जी कलश स्थापना की सामग्री लेकर आई हो? अरे भाभी जी सभी सामग्री आ गई, बस अभी कलश नहीं आया है, वो ही बाकी है। क्योंकि इस बार कलश हम ले आए, इस बार कलश की स्थापना इमली करेगी। है ना विवान, हम ठीक कह रहे हैं ना? आपकी बहू तो तलाक लेकर जाने वाली है, तो इस हवेली में एक ही बहू बचेगी और वो है इमली। लो इमली जी। कलश को अच्छे से सजा देना जिससे कि कल सुबह
कलश की स्थापना अच्छे से हो जाए। जाओ सो जाओ। ये अच्छा मौका है। सूरज अब तक घर वापस नहीं आया, बहुत रात हो गई, पता नहीं कहाँ होगा। ऐसा क्या करें, सूरज को बुलाने के लिए किसी को भेज देते हैं, पर किसे भेजें समझ नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, हम खुद ही चले जाते हैं। अरे नहीं, आप इतनी रात गए कहाँ जाएंगे, हम चले जाते हैं। साम दाम दंड भेद काम कर रहा है, लोहा थोड़ा सा और गर्म हो जाए तब हथौड़ा मारे। वैसे कल चकोर का इस हवेली में आखिरी दिन होगा और नवरात्रि की पहली रात, कितने दुख की बात है ना। ये तो आने वाला कल ही बताएगा। सूरज राजन जी है हम, और ये नाम वो है जिससे सब लोग कांपते थे। फिर हमें प्यार हो गया और उस प्यार की वजह से हम बदलना चाहते थे, अच्छा इंसान बनना चाहते, ऐसा बनना चाहते थे जिसे हर कोई पसंद करे। हमने कोशिश की लेकिन पता है, अच्छा बनने के बाद हमें सिर्फ तकलीफ मिली, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन हम भूल गए थे कि बुरा आदमी हमेशा बुरा ही रहता है, और ये तेरी और तेरे परिवार वालों की बदनसीबी है कि तू अब मिल रहा है बुरा बनने के बाद। और अब तो हमने डिसाइड कर लिया है कि हम इतने बुरे बनेंगे कि पूरी दुनिया हमारे नाम से कांपेगी। इसके लिए हमें किसी को मारना होगा, और तू मरेगा। सूरज कहाँ जा सकता है? मौसी, आपने सूरज को देखा क्या? नहीं बेटा, हमने तो नहीं देखा। काकी, आपने सूरज को देखा क्या कहीं? किशोर काका, आपने सूरज को देखा क्या? नहीं, कौवा कोनो बात है का? नहीं। तू इतना परेशान का है? कुछ नहीं। ठीक है, चला ना। माफ कर दीजिए, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, इनसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ये सूरज जब भी बाहर जाता है ना, हमें डर सा लगता है, पता नहीं किसके साथ कब क्या कर दे। तो वैसे भी वो वापस वही शैतान बनने पे तुला हुआ है, कहाँ ढूंढेंगे उसे? प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। हम यहाँ से चले जाएंगे और मुड़कर यहाँ पर कभी नहीं आएंगे।